So we have started regulators in financial markets in the chapter number 2 of our SFM, that is Indian Financial System. उसमें हम लोग बात कर रहे हैं regulatory structure in Indian financial system. हमारे यहाँ regulate कैसे किया जाता है financial system को. तो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है क्लियर सी एग्जाम्स. और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री. आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री. यू कैन रिपीट विथ मी, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल डेफिनेटली. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमने बात कर ली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंश्योरेंस रिलेटेड आईआरडीए, फिर पीएफआरडीए और फिर रेरा. ये दो चीजों के ऊपर हमारा डिस्कशन बाकी था, दैट इज कॉल्ड पीएफआरडीए एंड रेरा. इसके पहले जो हमने सेबी कर लिया, आरबीआई कर लिया और आईआरडीए कर लिया. सेबी स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड से डील करता है. आरबीआई बैंक से, प्राइमरी डीलर से डील करता है और आईआरडीए स्पेसिफिकली इंश्योरेंस कंपनी से डील करता है. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पीएफआरडीए. वो क्या बोलता है चलिए देखते हैं. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो आपको सिंपल सा इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये बात करेगा तो पेंशन फंड से रिलेटेड बात करेगा, कि पेंशन फंड से जो रिलेटेड जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में सिस्टम है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए और उसकी डेवलपमेंट पे काम कैसे किया जाएगा. तो उस अथॉरिटी का नाम है पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. पेंशन फंड रेगुलेटरी and development authority. The aim of the PFRDA is to be a model regulator for promotion and development of an organized pension system. एक organized pension system को promote करना और develop करना, कि जो हमारे देश के लोग हैं वो एक pension system में आए, pension की तरफ बढ़े. जैसे कि अटल pension योजना एक है APY, जिसमें मेरा भी subscription है उसमें, कि आप 18 से स्टार्ट होता है तो वहाँ से 250 से स्टार्ट होता है, तो मेरा 269 के आसपास है, 269 क्या पर मंथ के हिसाब से वो डेटा आपको मिल जाएगा अटल पेंशन योजना के तरह. तो वो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये प्रमोट और डेवलप करता है ऑर्गेनाइज्ड पेंशन सिस्टम्स टू सर्व द ओल्ड एज इनकम नीड्स ऑफ द पीपल एन अ सस्टेनेबल बेसिस. मतलब जब आदमी बुजुर्ग होगा उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. जैसे कि आर्मी में क्या होता है, आर्मी में लोगों को पेंशन दिया जाता है, ओनली डिफेंस सेक्टर्स में ही पेंशन अभी है और बाकी में गवर्नमेंट जॉब्स में भी पेंशन कहीं नहीं है, बट डिफेंस सेक्टर में. बट आप अपने से खुद से पेंशन स्कीम ले सकते हो. पेंशन सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव बीन अंडर क्लोज स्क्रूटनी ओवर द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स. न्यूमरस रिफॉर्म्स हैव बीन कैरिड आउट टू टैकल द सस्टेनेबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ द पेंशन अरेंजमेंट इन द फेस ऑफ द राइजिंग ग्लोबल डेमोग्राफिक चैलेंजेस. बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए गए हैं और बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं कि इसकी सस्टेनेबल और एडिक्वेसी बनी रहे, कि सस्टेनेबल रहे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलता है, और एडिक्वेटली रहे, कि जो आज बात कही जा रही है कि आप इतना इन्वेस्ट करिए तो इतना मिलेगा, तो हमेशा मिलता रहे. फॉर द नेक्स्ट 2 decades इंडिया हैज द पोटेंशियल टू रीप डेमोग्राफिक बेनिफिट्स. जी हाँ, आने वाले 2 दशक इंडिया के हैं, माना जाता है ऐसा. द कंट्रीज पॉपुलेशन पैरामिड इज एक्सपेक्टेड टू बल्ज अक्रॉस द 15-64 एज ब्रैकेट ओवर द नेक्स्ट. अराउंड 64% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द ब्रैकेट. मतलब इंडिया का 15-60 वर्ष जो आपका एज ग्रुप रहता है, एजिंग मतलब वर्क एज जो रहता है, वो इंडिया में भी 64% एक्सपेक्टेड है 2026 तक. विथ 13% ऑफ द टोटल एज अबव 13% जो 60 साल के ऊपर होंगे. हाउएवर इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू लेवल ऑफ अराउंड 2014 इन 2050 द ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो इज लाइकली टू इंक्रीज. और 2050 के बाद ओल्ड एज की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, तब 19% के आसपास लोग 60+ हो जाएंगे. ठीक है, फ्रॉम अभी कितना है, अभी मतलब 8 साल पहले 8.6%, अभी तो बढ़ गया होगा. ये बोला ना 13% हो जाएगा विथ 2060. कहने मतलब अभी
पेंशन से रिलेटेड क्या मार्केट तैयार हो रहा है या मार्केट की बात हो रही है। आप कोई भी बात को अगर बिजनेस मॉडल से समझे तो बेटर होगा कि मैं अगर बात कर रहा हूँ कि आज के बाद ये एज ग्रुप बढ़ने वाला है फ्यूचर में और ये एज ग्रुप बढ़ने वाला। अब यहाँ पे पेंशन स्कीम का एज ग्रुप से लेना बहुत ज़रूरी है इसके डेवलपमेंट को अगर आपको सही से आंकना है। तो देखो पेंशन स्कीम कौन ऑप्ट करेगा, 18+, 18 से 40-50 तक के जो लोग हैं वही ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो वो लोग की अगर संख्या बढ़ने वाली आने वाले 4-5 सालों में तो फिर इंडिया में इस मार्केट में भी बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल होगी। जी हाँ, अगर इंडिया में कैब से ज़्यादा लोग चलने वाले रहेंगे तो उबर ओला भी सक्सेसफुल हो गए, होटल में रहने वाले हैं, चीपर प्राइस पर रहने वाले हैं तो ओयो भी फेमस हो सकता है। और यहाँ पे जियो इसलिए हिट हो गया क्योंकि चीपर प्राइस पे लोगों को डेटा मिला, डेटा कंज्यूम करना सबको अच्छा लगता है। वही बात करें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जैसे अभी ऑनलाइन पेमेंट की एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया में ये मार्केट है, इतने लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए आने वाले समय में बढ़ सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ सकता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, जॉब क्रिएट होता है। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए अच्छा मार्केट तैयार होने वाला है आने वाले कुछ दशकों में, 2 दशक की बात हो रही थी। With the shift to the nuclear families, अब nuclear families मतलब अपना अलग परिवार, intergenerational support cannot be the sole source of the old age security. अब बात ये है कि बात न्यूक्लियर फैमिली ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंडियन फैमिलीज में, अभी ये कल्चर आया नहीं है उतना बट अभी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब कि बाप जैसे मेरे पिताजी या फिर माँ, मेरे मॉम और डैड अगर अलग रहते हैं मतलब एक जगह रहेंगे और मैं जब मेरी अगर कभी शादी हुई तो मेरी फैमिली अलग रहेगी किसी की भी, मैं अपने एग्जाम्पल क्यों लूँ, तो दैट इज़ वॉट द न्यूक्लियर फैमिली। अगर पति पत्नी एक साथ रहते हैं और उनके मॉम और डैड एक साथ रहते हैं तो ये दो फैमिली अलग अलग जगह स्टे करती है और अलग अलग इनकम जनरेट करती है। तो जो हमारे मॉम और डैड हैं वो उनकी डिपेंडेंसी इज टोटली ऑन द पेंशन बिकॉज वो 60 के बाद काम नहीं कर सकते, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और ये जो न्यूक्लियर फैमिली होगी इनकी तो ये एक फैमिली में दो पार्ट हो गया, तो यहाँ से भी इंक्रीमेंट बढ़ता है। मतलब अगर आप मार्केटिंग में जाएंगे तो इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि स्विगी वाले इतने फेमस क्यों हो गए, जोमैटो इतना फेमस क्यों गया, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। थोड़ा मॉडर्नाइजेशन और न्यूक्लियर फैमिली की वजह से, क्योंकि पिताजी मॉम और डैड अलग रहते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ अगर अलग रहते हैं तो व्हाट विल हैपन इज कि न्यूक्लियर फैमिलीज खाना बाहर से ज़्यादा मंगाएंगे क्योंकि दोनों लोग वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, दोनों लोग हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं तो वो लोग प्रेफर करेंगे खाना बनाने से अच्छा कि बाहर से ऑर्डर कर लो, तो स्विगी जोमैटो ये लोग उतना ही फेमस हो गए। तो हमारी डिस्कशन लग रहा है कि दूसरी तरफ जा रही है, वी शुड फोकस ऑन पेज। तो मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा था, यू शुड अंडरस्टैंड लाइक ऑफ दिस कि हम कैसे किसी भी मार्केट को, मार्केट नीड को एनालाइज करते हैं, वो समझना हो। सो इट इज़ नेसेसरी टू बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर चैलेंज एंड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। तो ये ज़रूरी है कि अगर आने वाले समय में फैमिलीज अगर एक साथ नहीं रहेंगी, उनको इंटर जनरेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा कि आपके चाचा आपका मदद कर देंगे, मेरे आपके अंकल मदद कर देंगे, भतीजा मदद कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपनी मदद खुद से करनी होगी तो आपको फ्यूचर की समस्याओं से प्रॉब्लम से आज ही तैयार हो जाना चाहिए। The pension landscape in India can be broadly categorized under 4 pillars. Pillar 0 constitutes means tested pension schemes like IGNOBS, Anpurna, etc. Pillar 2 constitutes tax finance defined benefit pension system under the employees of the central and ye government wale hain. Joint prior to the 2014 government maine bola na defense sector mein aaj bhi wo hai ki jo 2004 se pehle join kiya unko pension diya jayega. और द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली आर कवर्ड, वाइल पिलर टू कवर्स मैंडेटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट स्कीम दैट इज एनपीएस फॉर गवर्नमेंट सब्सक्राइबर। गवर्नमेंट में जैसे कि आप रहते हो तो आपको पैसा कुछ काट के पीएफ ग्रेचुटी इसमें डाल दिया जाता है, तो वो भी एक पार्ट है। पिलर 3 कवर्स वॉलंटरी सब्सक्रिप्शन ऑफ एनपीसी लाइक सब्सक्राइबर ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि आप खुद से सब्सक्राइब कर ले हो कोई भी नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें पैसा लगा रहे हो, तो कई पार्ट हैं, कई पिलर्स हैं उसमें, जैसे कि एक डिफेंस का पिलर हो गया, एक इम्प्लॉयज़ जो होते हैं ईपीएफ में पेंशन फंड में पैसा, एम्प्लॉय पेंशन फंड में पैसा देते हैं, अन्नपूर्णा स्कीम हो गया। तो
ये सारे मोड है, आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी आप पेंशन ले सकते हो. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2014 द कवरेज अंडर द मैंडेटरी एनपीएस कंप्राइजिंग सेंट्रल एंड स्टेट एम्प्लॉयज हैज बीन विटनेस डिसेंट ग्रोथ इतना विद द टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सब्सक्राइबर अराउंड 41.42 लाख एट द एंड ऑफ द मार्च 2014. कहने का मतलब है कि डिसेंट ग्रोथ देखने को मिला नेशनल पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेशन का. ओके, द कवरेज अंडर द वॉलंटरी एनपीएस हैज विटनेस एन इम्प्रेसिव ग्रोथ. मतलब खुद से, जैसे मैंने अपना बताया ना वैसे ही खुद से इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ द 45%. अगर आप 18 प्लस हो तो आप यू शुड डू एपीवाई. तो मैंने भी स्टार्टिंग में ही कर लिया क्योंकि मुझे ये पता है, मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई शुड अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को जरूरत, दिस इज द बेनिफिशियल थिंग. मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हो तो यू शुड नो कि भाई हमें यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कहाँ कौन से शेयर में पैसा लगाएं कहाँ नहीं लगाएं. बट शेयर्स आर लिटिल विद टेक्स अलॉट ऑफ टाइम, आई वुड नॉट से रिस्की है, बट आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है फिर उसमें आप पैसा लगाएं. लेकिन यहाँ पे आप मतलब होता है ना आँख मूंद के पैसा लगा दे, बट आँख मूंद के तो आप पैसा लगा नहीं सकते, तो आँख खोल के लगाए. आप अपने बैंक से जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बता देगा कि एक फॉर्म फिल करना होगा और पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से मंथली डिडक्ट होता है. प्राइवेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर सब्सक्राइबर्स टू अराउंड 46 लाख एट द एंड ऑफ द मार्च 2015. इसमें 45% का बाउंस हुआ और ये पहुंच गया 46 लाख तक. The major challenge faced by the PFRDA is to extend pension coverage to the people from the informal sector characterized by the low financial literacy, financial affordability and financial saving. बहुत ही बड़ा चैलेंज है पेंशन फंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट जो अपना उनके लिए, क्योंकि देखिए जो लोग, पहली बात तो अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी नहीं है, लो फाइनेंशियल लिटरेसी पैसे को लेकर उतना लोग जागरूक नहीं है कि अपने पैसे को कैसे मैनेज किया जाए. ठीक है, फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी भी नहीं कि लोग बोलते हैं कि सुबह का खाना लाएं या फिर ये लाएं, या मतलब उनकी प्रायोरिटीज प्रेजेंट की रहती हैं, फ्यूचर की नहीं. प्रेजेंट में हर लोग की कोई ना कोई कठिनाइयां होती हैं तो उनसे डील करना उनकी पहली प्राथमिकता होती है और बाकी चीज़ों से बाद में. और फाइनेंशियल सेविंग मतलब उनका मानना ये रहता है कि बैंक में पैसा जमा कर दो 3-4% इंटरेस्ट मिलेगा, वो उनकी पहली प्रायोरिटीज रहती है. तो पेंशन स्कीम के बारे में ज़्यादा लोग सोचते नहीं है क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए अपने फ्यूचर्स इन्वेस्टमेंट को लेके नॉर्मली, या फिर उनकी इनकम. पहली बात तो यही है ना, फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी नहीं होती लोगों की. तो इन सारी चैलेंजेस के साथ हमारा PFRDA जूझ रहा है और आने वाले समय में आई होप कि हमारी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी और अच्छा हो. नॉर्मली सेविंग फॉर रिटायरमेंट रिक्वायर्स रेगुलर डिसिप्लिन कंट्रीब्यूशन प्रिजर्व्ड अंटिल रिक्वायरमेंट. बोला नॉर्मली रिटायरमेंट रिक्वायर्स रेगुलर डिसिप्लिन कंट्रीब्यूशन. देखो भाई, रिटायरमेंट आप कर रहे हो तो उसके पहले आप एक बात याद रखो कि जब रिटायरमेंट, आप जब कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो पीएफ में तो आप रेगुलरली उसमें करो. द इनकम ऑफ द वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स आर फ्रीक्वेंटली सीजनल एंड वोलेटाइल विच प्रिवेंट्स रेगुलर पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन. जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं जिनकी रोजाना की इनकम नहीं है, जो सीजनल काम करते हैं, उनके लिए अभी पीएम मोदी जी की कोई एक स्कीम भी आई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी स्कीम है. आपको 3,000 रुपया मिलेगा और मंथली आपको 55 रुपया से स्टार्टिंग है उसमें, जो कि बहुत ही मोस्ट वेलकम स्कीम है. इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है लोगों को. जैसे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं नौकरी आप नहीं कर सकते, आपका खुद का बिजनेस है, ऑटो चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, या फिर आप अपना कुछ नया अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, इवन इफ यू आर दुकान आप चला रहे हो, तो कुछ भी उसमें कोई वो कोई स्कीम पहले ऐसी यू कैन से नहीं थी, बट APY तो थी. लेकिन यहाँ पे आपको आप लेबर सेक्शन के लिए एक स्कीम लाई गई है जिसका कंट्रीब्यूशन 55 है और आपको 3,000 रुपया 50 से 60 साल बाद मिलेगा. ऑल्सो हाउस होल्ड लिविंग एट बिलो सब्सटेंस आर अनलाइकली टू एबल टू अफोर्ड टू पे द पेंशन. या जो कि बिलो
मतलब उनकी जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम में सोचना ही मतलब अजीब सी बात होती है। ये एक मुद्दा बनना चाहिए जब भी कोई बात हो कि पेंशन स्कीम को हम लोग इतना बढ़ावा क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि देखिए फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनकी तबीयत खराब होगी, बीमारियां होंगी, उनको डिजीज होगा, पैसे की ज़रूरत होगी, उनका बेटा उनके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, तो उस समय वो क्या करेंगे, वो फैमिली क्या करेगी, तो वो डिस्कशन का बात है। टू एड्रेस दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन विच द रिटायरमेंट सेविंग्स आर मेड, स्पेशली इन केसेज वेयर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर डीलिंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डू नॉट हैव एन एम्प्लॉयर टू नेगोशिएट अरेंजमेंट फॉर देयर ऑन देयर बिहाफ। ऑल्सो सम फॉर्म ऑफ इंसेंटिव नीड्स टू बी गिवन टू प्रोस्पेक्टिव सब्सक्रिप्शन टू द पार्ट ऑफ, देखो यहाँ पे APY की भी हो अच्छी बात। टूअर्ड्स द एंड ऑफ एंड अ न्यू स्कीम टूअर्ड दिस एंड अ न्यू स्कीम, इसके बाद एक नई स्कीम आई दैट इज अटल पेंशन योजना हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 June 2015 विच प्रोवाइड्स द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर शेपिंग द पेंशन लैंडस्केप इन द कंट्री टू कन्वर्ट द सोसाइटी फ्रॉम पेंशनलेस टू पेंशन। व्हाट अ लाइन, पेंशन न पेंशनलेस से पेंशन हो जाए, हमारे सारे लोग पेंशन के अंदर आ जाए, क्योंकि उनकी फ्यूचर में ओल्ड एज जब हो तो सिक्योर रहे। वन इन द लार्जली अनकवर्ड इनफॉर्मल सेक्टर as pension involves a long term commitment, there is need to create awareness and financial literacy to encourage informal sector workers to save for their retirement। जी हाँ, जो कि informal sector से जो रोज़ाना काम करते हैं उनको भी motivate करने की ज़रूरत है, aware करने की ज़रूरत है, और उनकी financial literacy मतलब पैसे को लेकर जानकारी कि आने वाले समय में आपका पैसा अगर आज लगाते हो तो उसका कितना fold आपको मिलेगा, that is really good, कि मतलब आपको समझना होगा कि आप क्या बोलते हैं, आपका पैसा अगर आप इतना लगाते हो तो इतना मिलेगा, तो कितना फोल्ड आपका इंक्रीज होगा। आप सेविंग में लगाते हो तो सेविंग से अच्छा आप इस पेंशन स्कीम में लगाइए, आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा आफ्टर 60, दैट इज व्हाट द फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स हियर। अंडर APY द सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन और ₹1000 पर एनम, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है इस स्कीम में, विच इज लोअर 1000 या उससे कम, टू ईच एलिजिबल सब्सक्राइबर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए, दैट इज फ्रॉम 2015-16 टू 2019-20, हू जॉइंस द NPS बिफोर 31 December 2015 एंड हु आर नॉट इनकम टैक्स पेयर्स। स्टेट गवर्नमेंट कैन को कंट्रीब्यूट, अभी ये डेट साथ एक्सटेंड हो गया, अभी बढ़ा के साथ 2020 कर दिया गया ये डेट, 31 December 2020 तक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी आई बिलीव, बट आई एम नॉट श्योर। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट भी आपको मदद कर रही है, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट की बढ़ाई या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये स्कीम के बारे में समझना है कि PFRDA किन परिस्थितियों के साथ डील कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो को कंट्रीब्यूट अंडर APY टू देयर अंडरलाइंग वर्कर लाइक आंगनवाड़ी, आशा, कंस्ट्रक्शन लेबर एटसेट्रा टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स टू स्कीम टू ज्वाइन द स्कीम एंड सिक्योर देयर ओल्ड एज। द सब्सक्राइबर ऑफ APY वुड रिसीव मिनिमम 1000 to ₹5000, मेरा तो 5000 है, मेरा 5000 एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, मतलब मैं 60 साल होऊंगा उसके बाद, डिपेंडिंग ऑन देयर कंट्रीब्यूशन, तो मेरे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 5000 पर, मतलब आप भी वही कराइएगा, दैट विल कॉस्ट अराउंड, मेरा कितना कटता है 269 आई बिलीव पर मंथ। या APY वॉज हैज़ लो कॉस्ट एंड हैज़ एक्सेस इन द रूरल एरियाज वाई एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड बैंक्स। Additionally, there is a flexibility to contribute on monthly, quarterly and half yearly basis. Subscribers of APY are updated periodically with the information regarding activation of PRAN balance in the account. इसका कहने का मतलब है कि आपको SMS alert से आपको पता चल जाएगा कि आप sorry, आपका पैसा कट गया है और आपका पैसा APY में जमा हो गया। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है कि आपको इसमें कुछ करना नहीं होगा कि महीने महीने में जाके बताऊं, ये बैंक से डायरेक्टली लिंक्ड है कि आपका पैसा बैंक से ही कट जाएगा, ठीक है। व्हाट इज नेशनल पेंशन स्कीम, NPS इज एन इजिली एक्सेसिबल, लो कॉस्ट, टैक्स एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट। ओह माय गॉड, क्या नाम, क्या डेफिनेशन है। NPS नेशनल पेंशन स्कीम is an easily accessible, बिल्कुल सही बात है, low cost, एकदम सही बात, tax efficient, जी हाँ, tax की छूट मिलती है, and portable retirement
सेविंग अकाउंट, रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है कि रिटायरमेंट के बाद आपको इसमें पेंशन मिलेगा. अंडर द एनपीएस द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स टू हिज रिटायरमेंट अकाउंट एंड ऑल्सो हिज इम्प्लॉयर कैन ऑल्सो को कंट्रीब्यूट फॉर द सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर टू द हिज इंडिविजुअल. देर इज नो डिफाइंड बेनिफिट दैट वुड बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम एंड एक्यूमुलेटेड वेल्थ डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन मेड एंड द इनकम जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ सच वेल्थ. The greater the value of the contribution made, the greater the investment achieved, the longer the term over the period. मतलब जितना ज़्यादा और जितना समय के लिए लगाएंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा रिटर्न. एक टाइप का अकाउंट है जो आपका एम्प्लॉई और आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में होता है, जिसमें से एम्प्लॉई कुछ कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है. जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे और जितने समय से अवधि जितनी ज़्यादा रहेगी, जितना टाइम लिमिट ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा. दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंस. द लार्जर वुड बी द इवेंट बेनिफिट ऑफ द एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थी लाइकली टू बी. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. कंट्रीब्यूशन प्लस इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ माइनस कोई चार्ज लगा तो एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ आपको मिलेगी. Who can join NPS? Any citizen of India, whether resident or non-resident, subject to the following condition: individual who are aged between 18 to 60 years as on the date of the submission of his or her application to the POP or POP SP, the citizens can join NPS either as individual or employee. अब इंडिविजुअल मतलब 18 डेट ऑफ बर्थ आपका जो है उसके हिसाब से 18 से 60 साल होने चाहिए. आप एक इंडिविजुअल हो सकते हो, इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर भी हो सकते हो. सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ ऑल रिकॉर्डेड, जो भी नो योर कस्टमर दैट इज KYC की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद, आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ द एज यू विल नॉट बी परमिटेड टू मेक फर्दर कंट्रीब्यूशन टू द NPS अकाउंट्स. उसके बाद आप कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते. फिर बात आती हु आर द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द सब्सक्राइबर मैनेज अंडर हाउ आई एम सॉरी हाउ द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द सब्सक्राइबर मैनेज अंडर दिस वे द फंड्स कंट्रीब्यूटेड. आपको ये जानना जरूरी है कि आपका पैसा अगर कहीं लग रहा है तो कैसे मैनेज किया जाता है. द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द सब्सक्राइबर्स आर इन्वेस्टेड बाय द PFRDA रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर एज पर द इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाई. द इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस आर फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट देर इज अ मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ द सब्सक्राइबर कंट्रीज इवन देर इज अ मार्केट डाउनटाउन बाई अ जुडिशियस मिक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड इक्विटीज. एट प्रेजेंट देर आर 8 पेंशन फंड मैनेजर PFM हु मैनेज द सब्सक्राइबर्स फंड एट द ऑप्शन टू द सब्सक्राइबर. एट प्रेजेंट सब्सक्राइबर हैज ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेंशन फंड. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो पैसा रहता है वो इन्वेस्ट किया जाता है, कहीं लगाया जाता है और उसको आप PFRDA उसको कहीं इन्वेस्ट करता है. मतलब कुछ PFM जो है पेंशन फंड मैनेजर्स जो उसको मैनेज करते हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल फंड, LIC पेंशन फंड, कोटक महिंद्रा, ये लोग मैनेज करते हैं कि जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है कुछ भी हो जाए उससे ज़्यादा लॉस ना हो, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी फायदा रहेगा. मिनिमम दैट इन सच अ मैनर दैट देयर इज अ मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ द सब्सक्राइबर, मतलब आपके ऊपर कम से कम खतरा रहे ऐसे ही जगह इन्वेस्ट करो. और वो सेफली इन्वेस्ट करते हैं जस्ट लाइक कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड इक्विटीज. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रिटायरमेंट अकाउंट प्रोवाइडेड अंडर द NPS? द फॉलोइंग्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द रिटायरमेंट अकाउंट अंडर NPS. मतलब व्हाट आर द फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं. एवरी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर इज इशूड अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दैट इज PRAN. व्हाट डज इट मीन, आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा, अकाउंट नंबर कार्ड एंड हैज अ 12 डिजिट यूनिक नंबर. इन केस ऑफ द कार्ड बीइंग लॉस्ट और स्टोलन द सेम कैन बी रीप्रिंटेड विद द एडिशनल चार्ज. अंडर NPS अकाउंट टू सब अकाउंट्स Tier 1 एंड Tier 2 आर प्रोवाइडेड. Tier 1 अकाउंट इज मैंडेटरी टू द सब्सक्राइबर, हैज ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर Tier 2 अकाउंट ओपनिंग एंड ऑपरेशन. द फॉलोइंग्स आर द साइलेंट फीचर ऑफ द दिस. जिसके पास Tier 1 है वो Tier 2 ऑप्ट कर सकता है. दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, क्या फीचर्स है उस सब अकाउंट्स के. Tier 1 अकाउंट्स, दिस इज एन नॉन विड्रॉल रिटायरमेंट अकाउंट. Tier 2 इज, दिस इज द वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी अवेलेबल एज एन ऑड वन टू द Tier 1 अकाउंट. मतलब ये ऑड वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी है, जबकि ये इसमें पैसा लगाया तो लाइफ भर के लिए मतलब विड्रॉ नहीं कर सकते.
विच कैन बी विड्रॉन ओनली अपॉन मीटिंग द एग्जिस्टिंग कंडीशन प्रिस्क्राइब. एनपीएस की कुछ कंडीशन है उनको फुलफिल करने के बाद ही आपको, जैसे किसी की शादी के लिए, कुछ गवर्नमेंट ने अभी तो छूट भी दे दी है कि आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हो अगर शादी है या फिर कुछ ये लिमिट बढ़ा दी है, तो वो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. टायर टू अकाउंट, दिस इज द वॉलंटरी सेविंग फैसिलिटी अवेलेबल एज एन एड ऑन टू एनी टायर वन अकाउंट. उसके ऊपर एक फैसिलिटी है जैसे कि टॉप अप फैसिलिटी, या कांग्रेस की लैंग्वेज में बात करें तो एड ऑन टू एनी टायर वन अकाउंट होल्डर. सब्सक्राइबर्स विल बी फ्री टू विड्रॉ देयर सेविंग फ्रॉम दिस अकाउंट वेदर वेन एवर दे विल्स, जब चाहें तब पैसा विड्रॉ कर सकते. अभी कहाँ है सोर्स चेयरमैन स्पीच एंड एफएक्यूज. ओके, रियल एस्टेट पी रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमने क्या पढ़ लिया, पीएफआरडीए. एकदम डिटेल में अच्छे से चर्चा सर कर ली कि भाई क्या है फ्यूचर इंडिया में, कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, पैसे को कहाँ ले के कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कैसा ग्रोथ है हमारे यहाँ. और बहुत ही अच्छी ग्रोथ अभी नज़र आ रही है फ्यूचर में कि हमारे यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ होगी. एपीवाई के बारे में हमने अच्छे से बात किया, मैंने आपको इंकरेज भी कर लिया कि आप एपीवाई ज्वाइन कर लीजिए. एनपीएस के और नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बता दिया, उसके कौन ज्वाइन कर सकता है, आप 18 से 60 साल के एक इंडिविजुअल हो, इंडियन हो, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. आपका एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट कर देता है और वो पैसे को लोग लगाते हैं, फिर आपको रिटर्न देते हैं आफ्टर 60 ईयर्स. और उसमें दो टाइप के अकाउंट होते हैं, टायर वन और टायर टू. फिर बात आती है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ अपना, रिसेंटली नहीं मतलब हो गए दिस इन दिस गवर्नमेंट, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, दैट इज रेरा. इंडिया हैज़ अ वास्ट पॉपुलेशन विथ नीड्स रिगार्डिंग फूड, हाउस एंड जॉब्स. ओके, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो उस पर, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. आपको ये समझना होगा कि ये अथॉरिटी क्यों बनाई गई, क्योंकि लोगों से पैसा लेके लोगों को मकान नहीं दिए जा रहे थे, बहुत सारे रूल्स वायलेट हो रहे थे, रियल इस्टेट में बहुत धांधली चल रही थी, तो इसलिए रेरा को लाना पड़ा. और देखते हैं क्या, देखिए भूमिका बनाई जा रही है कि इंडिया के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन, उस क्या चाहिए, घर, कपड़ा, मकान, ठीक है, जॉब्स. द हाउसिंग अमॉन्ग दीज फील्ड इज वन ऑफ द मेजर वंस, इसमें से घर बहुत जरूरी है, फूड, हाउस, जॉब्स. थाउजेंड्स ऑफ द पीपल हैव ग्रोन टू बी रिच एंड एज मेनी ऑफ देम हैव मेड अ लॉस इन द रियल एस्टेट बिजनेस, इट इज वन ऑफ द लीडिंग रेवेन्यू जनरेटर्स फॉर द गवर्नमेंट. जी हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है. इवन दो इट हैज सच ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द कंट्री, इट नेवर हैड रेगुलेटरी बॉडी. इतना तगड़ा प्रेजेंस होने के बाद भी इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था, जिसको जो मन वैसे पैसा ले रहा था दे रहा था, बट अभी वैसा नहीं है कि आप सारा कुछ फिक्स्ड है. Due to the failures of the government to absorb this, many people have become the victims of the some schemes, scheming people doing the real estate business. ये पैसा लेते बोले बिल्डिंग देंगे देंगे, देते ही नहीं. The buyers who come from a middle class background have time and again fallen prey to such petty real estate developers. There was a growing needs to bring a transparent government body which can check the developers. जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी था. कहने का मतलब ये है कि जो रियल इस्टेट प्रमोटर्स थे उनके द्वारा धोखाधड़ी के केसेस बढ़ते जा रहे थे, उनको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था, तो उसकी ज़रूरत महसूस बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन वो आखिरकार आ ही गया. फाइनली द गवर्नमेंट डिलीवर्ड बाई मेकिंग एन अथॉरिटी नोन एज रेरा, विच स्टैंड फॉर रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. इट वॉज पास्ड in March 2016 by the parliament, the promise to bring a justice to the buyers through making strict policy that have to be fulfilled by the developers to sell their projects. मतलब बोला कि भाई अब तकड़ा पॉलिसी आएगा कि आप जो बेचना चाहते हैं उसमें कुछ पॉलिसीज मेकर्स, मतलब कुछ स्कीम, रूल्स और रेगुलेशन लग जाएंगे जिसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा. द मेजर प्रॉब्लम दैट रियल इस्टेट इन इंडिया इज फेसिंग दैट ऑफ द डिलेड पोजिशन गिवन. वाह, क्या लाइन लिखा होगा, डिलेड पोजीशन गिवन. आप समझ रहे हो डिलेड पोजीशन का क्या मतलब हो गया, आपके पास पैसा ले लिया गया, बोला कि आपका मकान तैयार हो रहा है, लेकिन जो पोजीशन होता है कि आपको रहने की अनुमति देना, वो बहुत डिलेड होती है बाय द होम सीकर, बाय द रिच एंड कर्निंग बिल्डर्स, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं. थस रेरा विल हेल्प पीपल बाय ब्रिंगिंग इन हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिसिप्लिन दैट दिस builders must have to. Following are the some of the risk that the people are faced. Selling the flats multiple times to the different parties. देखो कोई रूल नहीं रहता, तो आप क्या करते हो कि इस फ्लैट को बोलो कि आप भी पैसा दे दो, वो भी पैसा दे, पांच छह लोग को बेच दिया, ये एक प्रॉब्लम है.
डिले इन गिविंग प्रोजेक्शन, जैसे हमने बात किया कि ड्यू टू वेरियस रीजंस दैट इज माल प्रैक्टिसेस सच एज फंडिंग क्राइसिस, पैसा ही नहीं कि मकान बना है, मकान जब तक बन के तैयार नहीं होगा तब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा, वो पैसा वो लोग लिया पता नहीं क्या किया, डिमांडिंग एडिशनल चार्जेस, कुछ और पैसा मांगने लगा फैसिलिटीज़ के नाम पे कि भैया हम उस समय तो बताया ही नहीं आपको, ये और भी फैसिलिटी हमने लगा दी इसके लिए पैसा दीजिए। रिड्यूसिंग कारपेट एरिया, कारपेट एरिया जैसे आपको बोला गया कि आपको 2000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट मिलेगा लेकिन आपको मिला सिर्फ 1650 स्क्वायर फीट का, तो वो सारी रीजन से चेंजिंग ऑफ द प्लांट्स ऑफ द सोसाइटीज, प्लांट्स को चेंज करना। आपको बोला गया कि आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेगा लेकिन वहाँ पे भी एक तो बिल्डिंग खड़ा कर दिया, बोला भैया पैसे की कमी थी इसलिए कर दिया, तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस हो रही थी। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड वन साइडेड इन द फेवर ऑफ द डेवलपर, फॉर एग्जांपल अ पेनल्टी ऑफ मैसिव 21% इफ वन डेली पेमेंट इवन बाय अ डे, बोला कि वन साइडेड पॉलिसीज कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे थे जब ये रेरा नहीं था कि भाई एक दिन भी डिले हुआ तो 21% की पेनल्टी लग जाएगी अगर आपका पेमेंट करने में डिले होगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो ये सारी चीज़ें थी, दिक्कतें थी जो लोगों को फेस हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम दीज रिस्क द बायर हैज़ टू अनविलिंगली बिकम अ पार्ट ऑफ द मेजर टसल बिटवीन द डेवलपर एंड द गवर्नमेंट रिलेटिव टू अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट्स। हाँ, और गवर्नमेंट अप्रूवल भी नहीं देती थी, उन गवर्नमेंट वालों को भी क्या कुछ बोल क्या चाहिए उनको भी। देखो, अगर मैं बिल्डर हूँ तो मेरी भी कुछ समस्याएं हैं, कि ऐसा नहीं कि बस ये कस्टमर के लिए है, बिल्डर्स की भी कुछ समस्याएं जो जेन्युइन है। कुछ देखो, पूरी सोसाइटी में कुछ खराब होते हैं बट ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। पॉजिटिविटी ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर नेगेटिविटी, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे तो पॉजिटिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर इस सिनारियो में उनकी भी रक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको देखो कोई भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है कोई कहीं भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से सब अप्रूवल लेना पड़ता है। तो मेनी अ टाइम द बिल्डर टेक्स द मनी फ्रॉम अ बायर एंड देन हिज प्रोजेक्ट सीजेस एट हाफ कंप्लीशन ड्यू टू नॉट कंप्लीटिंग सम पेपर वर्क और गेटिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, कभी कभी होता है कि पैसा ले लिए, आधा बना लिए, गवर्नमेंट वालों ने रोक दिया, बोला कि पेपर वर्क कंप्लीट नहीं, तो ये भी एक दिक्कत होती है। थस इन सम वे और अदर द गवर्नमेंट ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द डिसीविंग प्रोसेस एज दे स्टार्ट द अप्रूवल प्रोसेस आफ्टर द बिल्डर्स मार्केट हिज प्रोजेक्ट लीडिंग टू द मेनी प्रॉब्लम्स। द लॉ अंडर रेरा आर स्टिल इन द अर्ली डेज ऑफ द डेवलपमेंट बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट देर विल बी ह्यूज रिलीफ फॉर द बायर्स रिगार्डिंग डेवलपर स्पेसिफिक। अभी ये जो लॉ बन रहा है ये बहुत ही बोले छोटी स्टेज में है, कोई भी लॉ पक्का तभी होता है, जैसे इंडिया में लोकपाल आ गए, बट लोकपाल इज जस्ट स्मॉल बेबी, मतलब लॉ का एक स्मॉल बेबी है। अभी इसको प्रॉपर अप्लाई होने में 3-4-5 दशक लग जाएंगे, ठीक है, मतलब प्रॉपर इम्प्लीकेशन के लिए, तो इट विल टेक टाइम। द मैकेनिज्म ऑफ द रेरा विल बी मेड सच दैट इट प्रोवाइड्स अ कॉमन ग्राउंड्स फॉर बोथ बायर्स एंड द डेवलपर्स, दोनों के लिए अच्छा एक ग्राउंड तैयार करके देता है। ट्रांसपेरेंसी इज द की पॉइंट रिगार्डिंग द रूल्स अंडर द रेरा एज द गवर्नमेंट वॉन्ट्स दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट द जनरल पब्लिक शुड नो शुड बी मेड अवेलेबल ऑन द इन्फॉर्मेशन पैनल। बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि रेरा का जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ए टू जेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, कहाँ पे क्या बनेगा, क्या होगा, क्या चीज़ लगेगी, क्या नहीं होगा, कहाँ बनेगा, कौन सी ज़मीन है, ज़मीन क्या लीगली सही है या नहीं है, अप्रूव्ड है या नहीं गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल, लेकिन आपको पूरी जानकारी पता रहेगी, अब कोई भी चीज़ आपको सीक्रेट नहीं रही, सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो गए। द रेगुलेटरी रिस्क विल ऑल्सो बी लेड अपॉन द डेवलपर्स एज ही विल हैव टू पे कंपेंसेशन इफ एनी मिसहैप हैपेंस व्हाइल गिविंग द पोजीशन ऑफ अ यूनिट। आपने 10 करोड़ की कोई फ्लैट बेची, 10 लाख, 10 करोड़, 20 लाख, जो भी बोल लीजिए, आपने कोई फ्लैट बेचा, आप पोजीशन देने के वक्त बोलिए और पैसा लगेगा, नहीं लगेगा, ये टाइम तक नहीं दे पाएंगे, तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी एज पर रेरा रूल। ऑल द बिल्डर्स विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर द रेरा विच विल सी अ लो रिस्क इन द प्रॉपर्टी बिजनेस, जिससे कि आपको यू विल हैव टू रजिस्टर्ड इन रेरा कि आप अपना बिजनेस कर पाए। हाउएवर इवन दो Arera will bring a new light for the people affected due to the immoral practices of the builders, it is still not certain whether the price will go up in the coming years. अब इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी तो आएगी तो, बट ये श्योर नहीं कि प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे, क्योंकि देखो उनकी भी
रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए बिल्डर्स को भी कॉस्टिंग अपनी अच्छे से निकालनी पड़ेगी, तो वो भी ये भी हो सकता है कि प्राइसिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, बट टिल नाउ ऐसा नहीं हुआ है, प्राइसिंग तो डाउन ही हुई है। तो ये हो गया आपका रेरा का बात। अब बात करते हैं कब लॉन्च हुआ था, मार्च 2016 में पास हो गया था पार्लियामेंट से, फिर उसके बाद रूल्स और रेगुलेशन बनाने लगा था। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज टू फैसिलिटेट द फाइनेंशियल मार्केट, हमने बात किया रेगुलेटरी अथॉरिटीज का, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज क्या क्या हैं जो रेगुलर फैसिलिटेट करती हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब AMFI एक एक करके देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, आता नहीं एक एडवर्टाइजमेंट तो उसमें देखिएगा AMFI का नाम जरूर होगा, उसमें निकलता है ना कि सही है यार, क्या एक ब्रेक आता है ना एडवर्टाइजमेंट जिसमें बोलता है सही सही है सही है, म्यूचुअल फंड तो सही है, ऐसा ब्रेक आता है ना। द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स द डेवलपिंग ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और प्रोफेशनल हेल्दी एंड एथिकल लाइसेंस टू एनहांस द मेंटेन स्टैंडर्ड इन ऑल एरियाज विद द व्यू टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेक्ट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एंड देयर यूनिट होल्डर्स। तो बेसिकली ये डेवलप और प्रमोट करने के लिए है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जुड़े हुए सारे लोगों के वेलफेयर्स के लिए। AMFI द एसोसिएशन ऑफ सेमी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड इन इंडिया ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज AMCs was incorporated on August 22, 1995 as a non-profit organization. As of now, all the 42 asset management companies that are registered with the SBI are its members. Bola AMFI, that is Association of Mutual Funds in India, the Association of SEBI, ye ek association hai, Security and Exchange Board of India registered mutual fund in India. ऑफ ऑल रजिस्टर्ड एसेट मैनेज, जिसमें सेबी में सारे के सारे म्यूचुअल फंड की कंपनीज रजिस्टर्ड हो गई हैं जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 22 अगस्त 1995 से पहले एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपके एसेट मैनेजमेंट को ये एज अ NPO इन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है सेबी में, ठीक है। एज ऑफ नाउ जब ये बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, 42 AMCs को रजिस्टर्ड कर लिया गया है विद द सेबी और वो सेबी के भी मेम्बर हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है AMFI का, टू डिफाइन एंड मेंटेन हाई प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ऑल एसेट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छा सा प्रोफेशनलिज्म और एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। टू रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट बिजनेसेस, रिकमेंड करना प्रमोट करना इसके बिजनेसेस को, एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाई द मेंबर्स अदर इंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एजेंसी। कहने का मतलब है कि टू रिकमेंड एंड प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट, अच्छा प्रैक्टिस और अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं जो उसको फॉलो करें। टू इंटरैक्ट विद द सेबी एंड टू रिप्रेजेंट टू सेबी ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे मैटर्स पे सेबी में अपना पक्ष रखेगा AMFI। To represent to the government reserve bank of India on all other relating to the mutual fund industry, mutual funds industry is related government ke samne represent karna padega reserve bank ke samne to bhi kare. To undertake national wide investor awareness program, awareness pehla, to disseminate information of mutual funds and undertake studies and research directly and association with the other bodies, iske upar research and development kare aur isko promote kare. To regulate conduct of the distributor including disciplinary actions, cancellation of ARR for violation of the code of conduct. To regulate conduct of distributors including, हर distributors के पास एक ARN रहता है जिसके बाद उनको right रहता है कि आप mutual fund बेच सकते हैं, distribute कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने qualify इसका एक exam होता है basically, आप उसको qualify करेंगे तो आपको ARN मिल जाता है। तो ARN मिलने के बाद आप म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, मतलब आप अपने क्लाइंट को बेच के आप कमीशन कमा सकते हैं। तो उनके भी कोड कंडक्ट्स को रेगुलेट करता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड होल्डर्स, जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में और जो होल्ड करते हैं, बेसिकली दोनों एक ही हैं, उनको प्रोटेक्शन देना। कोड ऑफ एथिक्स क्या है,
One of the objectives of the AMFI is to promote investors' interest by defining, maintaining high ethical and professional standards in the mutual fund industry. In pursuance of that objective, AMFI had constituted a committee under the chairmanship of the Sri AP Pradhan with Sri SB Joshi, Sri CG Parekh and Sri M Lakshman Kumar as a member. This committee, working in the close cooperation with the PwC LLP under the fire project of the USAID, has drafted the code, which was promotion again basically unka. But aapko ye samajhna chahiye ki code of ethics ke liye committee bani hai in cooperation with the PwC Price Waterhouse LLP. Okay, which has been approved and recommended by the board of AMFI for implementation of by the members, जो कि अप्रूव होती है AMFI के members के द्वारा implement करने के लिए. Okay, the AMFI code of ethics, the is जिसका नाम है for short, set out the standards or of good practices to be followed by the asset management companies in their operations and in their dealing with the investors, intermediaries and the public. CV mutual funds regulation 1996 requires all asset management companies and trustees to abide by the code of conduct as specified by the fifth schedule of the regulation. सारे के सारे लोगों को AMCs जो हैं asset management companies को और trustees को कि आप उन सारे root code of conducts को abide करें, follow करें. The AMFI code has been drawn up to the supplement that schedule to encourage standard higher than those prescribed by the regulation for the benefit of the और कोड ऑफ कंडक्ट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ही हायर रखे गए हैं कि ये इन्वेस्टर्स के हित में हमेशा बात करें. और इसका सोर्स आपको क्या मिलेगा, AMFIIndia.com से, मतलब ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, AMFIIndia.com वेबसाइट से, जो कि वेबसाइट है इस बॉडी की, इस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की टू बी मोर स्पेसिफिक. दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो फाइनेंशियल मार्केट में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट इज फेडा ई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. वॉज सेट अप इन 1958 एज एन एसोसिएशन ऑफ द बैंक्स डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज फॉरेक्स इन इंडिया, टिपिकली कॉल्ड ऑथोराइज्ड डीलर्स ईडी. एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी and is incorporated under section 25 of the Companies Act 1956. It is major activities include framing of the rules governing the conduct of the interbank foreign exchange business among banks, vice public and liaison with RBI for reforms and development of the forex market. A forex market say matlab RBI ke rules or regulations ko follow kare jo bhi forex market mein hai aur usko kaise develop kiya jaye. Presently, some of the functions of the FEDAI are as follows. FEDAI guidelines and rules of the forex business income banane ka kaam hai. Training of the bank personnel in the areas of the foreign exchange business. Foreign exchange business mein bank ke personnel, bank ko train karna, bank ke logon ko train karna. Accreditation of the foreign brokers jo hain, unke saath deal karna, advising. उनको भी ट्रेनिंग देना, एडवाइजिंग असिस्टिंग मेंबर्स बैंक्स इन सेटलिंग इश्यूज मैटर्स इन देयर डीलिंग, कोई इश्यूज है उसको सेटल करने में मदद करना, रिप्रेजेंट मेंबर्स बैंक्स एंड गवर्नमेंट. ओके, ये रिप्रेजेंट करता है मेंबर्स बैंक और गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अदर बॉडीज. गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर फॉरेक्स से रिलेटेड कोई मुद्दा है उसके रिप्रेजेंटेशन में फेडाई से लोग जाते हैं. अनाउंसमेंट ऑफ द डेली पीरियोडिकल रेट्स टू द मेंबर्स बैंक्स, सारे मेंबर्स बैंक को आपको सुबह सुबह आपको पता चलता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का क्या रेट है, डॉलर का क्या रेट है, यूरो का क्या रेट है, तो ये सारा फेडाई ही डिसाइड करता है. Due to continuing integration of the modern global financial market and increased pace of the deregulation, the role of the self-regulatory authority like has been transformed. FEDAI has also transformed in such an environment. FEDAI plays a catalyst role for smooth functioning of the market through closer coordination with RBI. RBI के साथ अच्छा काम कर रहा है, मतलब close को अभी क्या है, बहुत सारे challenges हैं तो उसमें मिल के ये लोग काम कर रहा है. फिमडा मतलब ये जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके साथ मिलकर और आरबीआई के साथ मिलकर एंड फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन, फॉरेक्स
एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ मिलकर लोग अच्छा रोल प्ले कर रहा है स्मूथ फंक्शनिंग हो सके मार्केट में फॉरेक्स की. ठीक है, फेडआई ऑल्सो मैक्सिमाइज द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम सिनर्जीज ऑफ द मेंबर्स बैंक थ्रू इनोवेशन इन एरियाज लाइक न्यू कस्टमाइज प्रोडक्ट्स. सीनर्जीज मतलब जब दो लोग एक साथ मिल जाते हैं तो उससे जो बेनिफिट ऑफ फेडआई ऑल्सो मैक्सिमाइज द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द सिनर्जीज ऑफ द मेंबर्स बैंक्स. मेंबर्स बैंक की सिनर्जीज के साथ मतलब मेंबर्स बैंक जब मिल के काम करते हैं तो उनके भी थॉट्स को लेता है. इनोवेशंस इन एरियाज लाइक कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनते हैं, बेंच मार्केटिंग अगेंस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग मार्केट प्रैक्टिसेस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. इन सारे मुद्दों पे बैंक के जो मेंबर्स हैं उनसे भी बात की जाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी लिया जाता है. फिर बात आती है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया. द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, एक ऐसा एसोसिएशन जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, प्राइमरी डीलर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज ऑन 3 June 1998. फीमा इज अ वॉलंटरी मार्केट बॉडी फॉर द बॉन्ड मनी एंड डेरिवेटिव मार्केट. आई रिपीट, फिमडा इज अ वॉलंटरी मार्केट बॉडी फॉर द बॉन्ड मनी एंड डेरिवेटिव मार्केट. इन सारे के लिए एक वॉलंटरी मार्केट है और एक एसोसिएशन है किसका, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुए हैं सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 बोल दो, अभी रूल तो चेंज हो गया. फिमडा हैज मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल मेजर इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट ऑफ द मार्केट. द मेंबरशिप इंक्लूड्स नेशनलाइज्ड बैंक सच एज, मतलब बड़े बड़े बैंक से इसमें मेंबर्स बैठते हैं. नेशनल अलाइंस बैंक, सारे बैंक्स का नाम दिया है. फॉरेन बैंक सच एज बैंक ऑफ अमेरिका, ABM, सिटी बैंक. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज IDFC, एक्जिम बैंक, नाबार्ड. इंश्योरेंस कंपनीज लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LICI, ICICI प्रोडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी, ब्रिला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑल अदर प्राइमरी डीलर्स, ये सारे लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं. रोल क्या है इनका, क्या रोल है. फंक्शंस एज द प्रिंसिपल इंटरफेस फॉर विथ रेगुलेटर्स RBI और रिजर्व, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक. इसमें लोग प्रिंसिपल इंटरफेस की तरह काम करते हैं, लोगों मतलब उनके रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एक तरीके से रेगुलेटर्स से. मैंडेटेड बाई द RBI, मैंडेटेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर वैल्यूएशन ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. ये देखिए RBI ने इनको परमिशन दिया, मैंडेट किया है, मैंडेटरी है कि यही करेंगे वैल्यूएशन गवर्नमेंट बॉन्ड का, वैल्यूएशन और कोई नहीं कर सकता, यही करेंगे. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सिक्योरिटाइज पेपर्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज और बैंक एंड प्राइमरी डीलर्स, ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ फिमडा ही कर सकता है. अंडरटेक डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ द बेंचमार्क्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स, मुंबई इंटर बैंक ओरिएंटेड रेट, कॉमर्शियल पेपर, सिक्योरिटी एसेट एंड ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स. कहने का मतलब कि अंडर डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी रिलेटेड, जैसे कि RBI से रिलेटेड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री, MIF से रिलेटेड सारे काम, उसके डेवलपमेंट में कोई नया चीज लाने में ये लोग मदद करते हैं. सजेस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द, जी सजेशन भी दिए जाते हैं. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सपोर्ट टू द डेबिट डेट एंड डेरिवेटिव मार्केट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी दिया जाता है डेरिवेटिव और डेट मार्केट को. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मार्केट प्रैक्टिसेस, मार्केट प्रैक्टिसेस को डे बाय डे स्टैंडर्डाइज किया जाए, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है. सो नाउ व्हाट, टेस्ट योर नॉलेज. यहाँ से आप क्वेश्चन पिक करिए, क्वेश्चन का रेफरेंस भी दिया हुआ है. प्लीज रेफर 1.5, 1.5, 1.0, 2.2.2. जैसे एक्सप्लेन द वेरियस बैंकिंग फंक्शन, RBI की क्या फंक्शंस है. एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ IRDAI, अभी हमने पढ़ा. वेयर आर द की एलिमेंट ऑफ अ वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, क्या की एलिमेंट है, इसका आंसर आपको मिलेगा पैरा 1.7 में. एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज, कितने प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसको एक्सप्लेन करिए. और एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इनके सारे आंसर दिए हुए हैं 1.5 और 1. तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसी के साथ. ओके, तो 1.4 आ गया, अपने को 1.5 चाहिए ना. स-
साइलेंट एक ही एलिमेंट है भाई, 1.5 तो दो ही जगह दिखा रहे हैं। ये वाला तो मिल गया ना, व्हाट आर द की एलिमेंट, 1.7 अभी हमने देखा था। आप अच्छे से ढूंढेंगे तो 2 है, सारे आंसर यहीं पे हैं यार। की एलिमेंट क्या है, वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल एलिमेंट, क्या की एलिमेंट्स है, तो ये स्ट्रॉन्ग लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्टेबल मनी मतलब पैसा मजबूत होना चाहिए, साउंड पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट, पैसा अच्छे से आपको मिल जाए गवर्नमेंट द्वारा तो मैनेजमेंट वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, सेंट्रल बैंक RBI जैसे हो गया, साउंड बैंकिंग, अच्छी बैंकिंग सिस्टम होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम तगड़ा होना चाहिए कि आपको जब पैसा चाहिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए, वेल फंक्शन सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अपने जो मार्केट है वो अच्छे से फंक्शन करना चाहिए, तो ये की एलिमेंट है वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल मार्केट के। और 1.5 में आपको 2 आंसर मिल जाएंगे, इससे क्या होता है ना, ये सेग्रीगेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने, फाइनेंशियल मार्केट कितने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो ये क्वेश्चन आपको यहां से हो जाएगा। ओके कि वॉट एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ करेक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, एक्सप्लेन वेरियस टाइप फाइनेंशियल सर्विसेज कितने टाइप के होते हैं, और IRDA और RBI दोनों हमने अभी पढ़ा दिया, तो ये चैप्टर खत्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब बात करेंगे हम लोग अगले चैप्टर के ऊपर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगर अभी तक वीडियो आपने ये वीडियो अभी तक देख लिया, यहाँ तक देख लिया, तो वीडियो को लाइक करके तो ज़रूर जाइएगा, और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे दर्ज कराइए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगला वीडियो हमारा ऑफकोर्स चैप्टर नंबर 3 पे होगा, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल, इजंट इट, यस, थैंक यू।